जी नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया। आज हमारे साथ हैं दो, जो चलती जा रही है सदियों से यह डूबता हुआ लोरिकायन, इसके दोनों धुरंधर एक सोनभद्र से और एक चंदौली से। आप अपना परिचय दें। हेलो, हम गायक कलाकार फौज यादव भैया, हमारे बीच में हमारे सहयोगी परशुराम यादव कन्हैया और लोग बहुत लोग सब लोग के हार्दिक अभिनंदन बंदन में भैया। आई लड़की की कहानी आप लोग के बीच में जाते हैं। ये बताएं आप, ये लड़की कब से गाया जाता है? ये लड़की तजीबे से शुरुआत भई, अब लिखावत आदमी चल रही। तो इस का आप फौदार यादव हैं जी, आप ये बताएं ये लड़की की कोई कवि रहे हैं या आप कभी बिना गुरु को कैसे ज्ञान ही दिया? तो आपके कवि कोई है? हाँ हाँ, कौन कवि? हमारे कवि हैं एक मरोठिया में सुखू नाम का है वही। अच्छा अच्छा, तो उन्होंने कवि ने आपको सिखाया, तो क्या इस लड़की को कहीं लिखे हैं आप? नहीं लिखे तो हम नहीं है, वो बताते गए बताते चले गए। ये सारी कहानी आपको याद है? हाँ हाँ बिल्कुल सारी कहानी याद। तो लगभग आप कितने दिनों तक बिना लिखे गा सकते हैं, कितने घंटों तक गा सकते हैं? अरे हम 2-3 घंटा रातों भर 4 दिन गाए। 4 दिन तक आप गा सकते हैं बिना लिखा? गा नहीं। अच्छा ये बताइए, लोरी दादा का जो है पिताजी का क्या नाम है? बुरकुबे। लोरी का जन्म कहाँ हुआ था? कौरा में। अच्छा, शादी कहाँ हुई थी उनकी? अगोरी में। किस से? मजरी से। मजरी के शादी में हम लोगों ने सुना है कुछ पूर्वजों से कि कुछ मामला हुआ था, उसमें क्या मामला? अरे बहुत झगड़ा, जबरदस्ती धागा बनले बा राजा मोलागी का, हम मेहरारू बना के रखो। राजा मोलागी कहाँ के रह? अगोरी का। अगोरी का। तो शादी कैसे भाई? लोरी के मालूम भर लोरी के बराबर लेके वहाँ पहुँचले जाके 1600 कर ले मुगल, 1700 प्रधान, 1300 बंसी जगह नंगी घूमे कर। मार के राजा के खंगार के सब लोग के मार मुआ के मजरी की जबरदस्ती लेके चल गए गादी गौरा के। इसके बाद एक कहानी आती है जनपद सोनभद्र में, मारकुंडी है। हाँ जी, मारकुंडी के पत्थर के बारे में। वहाँ से चले हैं तो वही बीच रास्ते में वहाँ डोला रुकवा देना, डोला रुकोले के बाद मजरी कहला कि सैया चलते हैं जा, तो कुछ चिन्हानी करे चला, तो वो पत्थर खड़ा कर वो मैंने एक ढोका मजरी फेंक देने हो, मैंने आज तक बरकरार बा, हर चीज बरकरार बा। ऊपर से नूर छिड़कले रहा लगन में, कुछ लोग बतावे लगी लगन में टाकार हो जाला, हम तो देखे नहीं है, पत्थर तो देखे हैं लेकिन सेनूर नहीं देखे हैं, मगर है वहाँ निशान। लोरी का भाई लोग दो भाई। अच्छा, लोरी को हमको पता है कोई दैवी शक्ति थी, वो किस देवी को मानते? हाँ हाँ, दुर्गा माई के। अच्छा। पूरा उनका सहयोगी दुर्गा माई। ये लोरी जो है किस वंश से आते हैं? यादव। आप किस वंश से हैं? यादव। इसको हम देखते हैं लोग, बड़ा युवा पीढ़ी जो बैठी है ये लोग पसंद नहीं करते हैं। नहीं गलत सोचे न जा, हम लोग यादव हैं। अच्छा अच्छा, इसके बाद ये बताइए, अगर यहाँ आने वाली जो पीढ़ी नहीं सुनेगी तो आप इसके बारे में क्या करना चाहिए? इसको सुनना नहीं, यही से तो हम लोग इसमें कर रहे हैं कि भाई सब लोग सुने, सब लोग जाने, आगे बढ़े, सब लोग गावे। इससे क्या ज्ञान मिलता है? अरे बहुत ज्ञान मिलता है, अगर न करे तो हम क्या करें? बहुत ज्ञान मिलता है, वो तो चड्डी निगोडा बलिगोडा पहले नहीं चड्डी पहले तो का ज्ञान हो, कहा लड़ी है, कहा लड़ी है, कवा की कमाई करी है, कैसे लड़ी है, जो जान है ये नहीं बा, तो कहा लड़ी है बाबू? लोरी के भाई के शादी नहीं भैया का? नहीं भाई लड़, सौरू की शादी भाई लड़। किसे? सतिया से। अच्छा, सुगवल में। सुगवल में। ये अच्छा, ये बताइए लोरी के पुत्र और पुत्री कुछ जन्म हुआ है? हाँ लोरी के लड़का रहना भोरी। अच्छा, और ये मजरी कहाँ की थी? अगोरी का। अगोरी का। अब मजरी मजरी कई बहन मजरी के साथ जन्म भर रहा कोई मामला रहा जब तो? हाँ हाँ जन्म भैया तबन धागा बांध देने बलवा की, वहा सोना का बरखा भैया सवा पार सोना बरसा। सोना की बरसात? हाँ सोना की बरसात हुई थी। ये आप कैसे जानते हैं? अरे हम जानते हैं, गाँव वाले गाए हैं, बताए हैं, तब हम जानते हैं सोना की बरसात। हाँ हाँ, आपने कभी देखा है इस कलयुग में कभी सोना की बरसात हुई कि नहीं? नहीं कलयुग में कहा होता, कलयुग में नहीं, कलयुग में। लेकिन उस समय सतयुग की बात थी भैया, सतयुग में हुई थी। हाँ सोना की बरसात। हाँ ये पहली बार आप देख रहे हैं सोना की बरसात हुई है। आप अपना परिचय बताए, आप कहाँ से हैं? यादव गाँव सुबरसा। अच्छा, लड़की कब से आप गा रहे हैं? गा रहे हैं बहुत दिना से, बुढ़ाई आ गई बहुत दिना, हमको लड़की गाते गाते बीत गए इतना समय। लड़की कहीं लिखे हैं? कहीं लड़की लिखल ना। दो चार पॉइंट लड़की का बोले। अब तू बताई दिले हम मजे नहीं था। ठीक है तू बोल, हम तो दूसर भाई का ना। अब आगे बोला 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 बोला
नजरी के टाड़ी से चल गई रहे जाके जीरो पर छिप गई रहा, बाकी डोला छेक दिले रहा राजा मुलागी। एकरे बाद में का भया रहा, ये एक भाट रहा तो बड़ा बरियारा रहा रहिलन की गणना न करत रहे। एकरे बाद गई रहा पाती राज सुन ले भाट तो कहत रजरी बाप रे बप्पा आज कहाँ वो करे के डर नहीं लगल न किछो हमके समझ ल चढ़ियाल हमरे बिहार गोरी के रीबा जा कहले बा चढ़ाई भार दर्दाबे लगल एड़ा पर गेले थे घोड़ा जिम गएल बिहार गोरी करी बाजार राजा से जाके हुकुम दिले रहला जा कहला जी एक थे आही चढ़ल बाटा आ डोला मजरी के द्वार में बहले रहने धागी आ उ धागी बनले लेहले बा आ जात हवे भागल दौड़ा करी बाजार टीव डाल दिले बाजी राहुल पास कहत बाजी जितना मरद यार हुई है उतना कोनी है आके मुला। इसके बाद हमने सुना है दादा लोरी के कोई संगतिया रहे, उन संगतियों का नाम बताए कौन कौन लोग साथ में रहे इनके। उनके साथ में अजय पूरा रहे थे और जन्म तो अजय का लोरी का सबलों का उन लोग का अंग्रेज से मिला, लेकिन साथी मेन अजय अजय और साथ। इसके बाद चार गो रहना लेकिन फूट फाट रहा है गुस्सी गुस्सा सब झगड़ा झंडा हो लेकिन मेन अजय है अजय धोबी। और इसके बाद बठवा रहा और जोशी रहा तो पूरा अपन अपन दूसरे जगह सारे बताओ खोल रहा जोशी। अच्छा अच्छा आप भी बिरहा गायक कहे जाते हैं, आपको भी लोरकी के बारे में कुछ जानकारी है? काहे भाई इतिहास तो मालूम है। अच्छा अच्छा और बताइए पूछिए। आप सभी लोग भी कभी मंच पे जाते हैं तो लोरकी गाते हैं? बहुत याद आता है लोरकी गाने के लिए, लेकिन मैं तो एक गायक बिरहा का सिंगर हूँ आकाशवाणी दूरदर्शन से, और लोरकी गा नहीं पाते हैं। जितना बढ़िया ये लोग सजा कर गाते हैं, ये हमारे नौगढ़ से चलकर आए फौजदार कवि जी और ये हमारे पूजनीय पिता के तुल्य दशमी यादव सोनबरसा सरईगढ़ सोनभद्र से, ये इतना बेहतरीन गाते हैं, इनकी लोरकी सुनने के बाद में हम लोगों का सारा रोवा रोवा पुलकित हो जाता है। और ये हम ही का नहीं, कोई बिरादरी का लोग बैठे हैं सारे लोगों का रोवा पूरा भरभरा जाता है। ये एक पूर्वजों की धरोहर है, यह धरोहर डूबती चली जा रही है। हम लोग सोच रहे हैं कि यह धरोहर आने वाली समय आने वाली पीढ़ी ये पूरा दुनिया के लोग इस धरोहर को रखें बचा करके, ये पूर्वजों का धरोहर है, हम लोगों के औलाद का है, और ये हम लोग भूल जाएंगे तो फिर आने वाली समय चल जाएगी तो मिलेगी नहीं। ये डूबता हुआ नजर आ रहा है एकदम एकदम, ये अपनी बढ़िया काल्पनिक चीज है कि उस समय जब शादी हुई लोरी का नाम सुनने में आया था और राजा मुलागी जब सवा पर सोना उस समय बरसरल मंजरी के जन्म की बेरी, तो वो ललकी धग्गी आकर बांध दिया कि इस लड़की का शादी होगी तो मुझसे होगी, अन्य कोई शादी अगर कराने वाला आए तो हम फिर उनको गर्दा मिला देंगे। तो गौरा भलिया की शादी सोनभद्र में क्यों हुई? उतना बलशाली इधर कोई वीरे नहीं मिला। अच्छा, इसलिए ये मंजरी के पिताजी महरा खोते 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 चले गए बलिया, अब बलिया के गौरा गांव में। ये लोग तो खुद बताए होंगे आपको और जितना जानकारी हम भी बता दिए, और विशेष तो भाई हमारे साथ कुछ युवा पीढ़ी है जो लोरी के बारे में लोरकी के बारे में जान रहे हैं। क्या आपको लोरकी पसंद आती है? बहुत बहुत बधाई कन्हैया लाल हिंदुस्तान न्यूज ऑफ इंडिया। हम लोरकी को जानते हैं सुनते हैं, लेकिन ये हम नहीं जानते हैं कि इसके पूरे इतिहास के बारे में। इतिहास बारे में नहीं जानते हैं? अच्छा, पसंद है कि नहीं आपको? पसंद है लोरकी। पसंद है? पसंद है। आप सुनना चाहते हैं? सुनना। अच्छा, ये लोरकी जो गा रहे थे लोग समझ में आ रही थी? ये हमें समझ में आती कि हम लोगों की वंशावली की बात है, यादव बिरादरी की बात है, ये डूबता चला जा रहा है, इसको डूबना नहीं चाहिए और युवा पीढ़ी को सीखना चाहिए। ये बिरादरी की चीज है तो बिरादरी से क्या मतलब? अगर ये सही चीज हो तो बताएं, अगर गलत हो तो इसमें बताएं। बिरादरी अगर बिरादरी बात है या इसमें सही चीज है? सही बात है। और ये जो युवा पीढ़ी है, आप लोग क्या कभी लोरकी सुनने के लिए कहीं गए थे, कहीं जा रहे हैं, कहीं कार्यक्रम होता है तो रुक कर लोरकी सुनते हैं? लोरकी जो भी यादव वंश से आते हैं सभी लोग लोरकी सुनना पसंद करते हैं। ओ बिरा आ गाउरा ना बरी सर भाई कैसे ने देश का मेहरारू हुई ऊ दूसर ठो लगावे लगला लोरी पहलवान कहला कि नहीं नहीं ओमन का मेहरारू मत समझा, पहले तू अपन डोरी ताका के हर गई और डोरी पर भैंसा ने और गर्दन घुमा के देखा तो डोलिए नहीं है। कहा ये भाई असमन जाना देख लड़ाई गिरोहल पर पूजी चलू, लेकिन बतावा डोली के हर
ओनहान अगोरी लेके भागल जात हन किला कहे हर टाका ओनहान जे जे मोस बियर के तीन दिन थोड़ा चढ़ौले हुआ छोटका भैया कहले बड़का भैया से का हो भैया जेकरे तरौटा के ई हाल बा तो परौटा का दे मेहरारू खेंगे नहीं कुछ के बाल बाल हम हन टेकले आवो थे ओकर मेहरारू भाग गई तो ओकर मर्द सिंह मन का कैसे दिला ओनर खड़ा हो चुप चक्का डोली लेके झंख झुरो से भगवान आपका हो आ तो ले लोरी पहलवान दे गई बड़ा भाव से बड़ा विचार से बड़ा राजनीति से राजनीति आज आज से नहीं भैया राजनीति बहुत पहले से है जब से सब लोग यहाँ धरती का रचना भर तब से राजनीति हो चाहे कोई समझे या ना समझे अलग की बात है इतना बुद्धिमानी से अरे भैया डोली वाले अरे बोलो अरे तोरा वहां हो कोई भैया वहां हो ना कोई वहां का बात है लोरी घुरा उठो अरे आवा यार आवा जा हम तो रहने लोग के झोला रही है आवा भैया मेहरबान ले जा छन मेहरा का कर बतवा बताओ जी नहीं हमरे जही इज्जत बा ऐसन मेहरा का होई बेला घड़ी खेल बा इतना लाइन पानी दे सो ना खुश हो गए मजरी हम मिल जाये उन्होंने तसल्ली हो गए जैसे डोली रखता लोग डोली रखवा देना चला भाई उमर बैठ जा मजरी जाके बैठ गई आज मजरी बैठ गई देखा खड़े सारे चोर बदमाश डकई हम सुत गए सभी सारे भागल जातवा चलो तैयार हो जाओ लड़ाई में कवन जी तैयार हो यहाँ तैयार हो गए ले हूँ निकलना पान बिजुड़िया खास दादा हो जीरा ठीक लहला हमारा दावा लगातार आवाज हो लगल लगल चमक निकल उन्हन के अखिये बुना के जब चमकावे लगे उन्हन के आखे मुना के आ जब ले पहुंच के बड़का भाई के मरने मुड़ी एक रहेंगे धारित रहेंगे होके दुर्गा माई कहीं ते मुड़िया थमा हम सुनवा पी के कहने की मुड़िया एक चुन्नी कान पकड़ के आ चार चक्कर लगा के फेंक दे चल जाओ राजा के पवन फेंक रहे भैया मुड़ी गई जब राजा के दरवाजे कहा पिछले बड़ा हो अरे उर्दू बाजार में हो बगल बिगुल बाजार में गल बाजे सम्मी होटल फ्री हो गए चले लगे छेना हो भैया अब खबर एक कुछ मतलब रहा एक मतलब होता छेना चल रहा राजा ये सोचा था कि लोरी के मुड़िया कट के आ गई बजरी हमारे घरे आ जाये ये अनुभव ही लगाव था भैल हल्ला ये जहाँ खाता हो तो तहा खाता हो तब ले सकती हो मुड़ी का नंबर आया अगर दुर्गा माई कहने की तेरी रुकी भैया तेरी रुक के भेज तेरी खर्चा ये तेरी कुछ हो जाए जी जब तू सरकी मुड़ी गई है तो कहा लोग भाई मजरियों के बहकावो बिल्कुल ये मजरियों के लड़ाई का चीन नहीं रहे भैया ये मजरी के झोटा हुई मरदन का बार होला मेहरान का झोटा होला कौनों का तो मजरियों के कार्ड मतलब तो वही मजरियों का कार्ड है सो कौनों का तो ना ना कुछ देरी के बाद कौन ज्योतिष वाला रहना कहना की नहीं सरकार राजा भेजा के मुड़ी कट के चल रही तुहरे पवन अब जैसे कहानी समाप्त रही सब लोग हार्दिक अभिनंदन बंदन बा ये भाई जहाँ से बा सब लोग लगल बाबू खा के गमछा बिछा के चलना टांग के और गोड़ों तक लबले हुआ यार मुड़ी तक लबले हुआ एकदम नींद भरपूर लग गई आज जब नींद लग गई वही नींद के लगने में ही दोनों भी जब पहुंचल जहा तो बेला घरी गई बनी एक भाई एक तरफ खड़ा हो एक भाई एक तरफ खड़ा हो यही से हम बताई ले पंचो कि लड़वैयन के गवैयन के पढ़वैयन के आराम न दे बात सक्सेस यू एक बात और बताई ला एक जगह हमारे बिहार में हो मरई से बन गई महल अटारी जी राम बिगड़ी है ओकर केहू का एकदम नींद में भरपूर हुआ लोरी पहलवान सुतल हुआ एक लंगे बड़का भाई खड़ा हो एक लंगे छोटका भाई के इशारा कहीं ना कि देख सुतल होगी जागल हो
छोटका भैया कहले ये भैया हमरे समझ नहीं आवत है एकदम साफ ही सूत गए हो। बड़का भैया कहले के सारे तब देरी का करती और मार खींच के गला सा एक रंगे मुड़ी एक रंगे धार हो जा जीरा के लिखे डबले जाट के बोल मारा डाला डाल हो जीरा कहला रुक जा नहीं का मामा बिगड़ जाई हो भैया आजी रहुली बना बारी रे मर्दन का काम नहीं हो रहा है चोरन बदमाशन का काम हो आदमी सूद कर डकैती डाल दा आदमी सूद कर अगर बूढ़ी काट दा ये मर्दन का काम नहीं हो पन्ना पन्ना इतिहास का बिगड़ जाये भैया अगर ये सुतले मर्द के मार दे बा पन्ना पन्ना इतिहास का बिगड़ जाये ये कहीं ना हमारे जवाब दे लायक नीचे बिगड़ जाये माई धरती पर श्री का बिगड़ जाये का अगर सुल्तानीदार होखा तोरे अंदर पानी हो जोरदार होखा तो सरिता खाली के खोद दा बेला घरी गई बा दो भाई अपने में ओ भाईया आगाई रहा बनाया झूरे ये बताइए कि उस लेटर में क्या लिखा है पहले हमको बताइए वो लेटर में क्या लिखा है बताइए मेन बात बताइए कुल बात नहीं लेटर में क्या लिखले हो का कहना है बड़का भाई का तो ये भैया हमारे समझ से हम देखा कुछ छोड़ के बताओ थे कहा ठीक बा एक बात बताओ मेन बात कहना की वो करे लिखा का मतलब लिखा के तो बहुत लिखले है लेकिन वो करे लिखा का मतलब ये है चाहे कुछ भी हो जाए मजरी हमारे घर आवे के चाहिए छोटका भैया कह रहे की जब मजरी के कहा था हमारे घर आवे के चाहिए तो सूत कर रहे थे कौन लेना देना है देख लेंगे टेका भैया तुम इतना टेक रहे हम आई मेहरू लेके हमारे यहाँ से भाग के भैया राजा के हवले ले जाके मजरी के लगा के अमन के किला में ताला लाग हो जाओ लोरी को घी तो चाहे सारे लोरी को चाहे राजा हमन से कहा लेना देना हो हमन जो हर बात पूरा कर देंगे किला छोड़ा किला से बाहर होखा देला घरी गई हमन का नहीं कर दफ्तर ने दोनों भाई उठा ले डोलो आई नींद में भरपूर हूँ आज ले गए चल रहे मजरी लगा सोचे की पंडित जी बताओ की डोला गाँव को उड़ा ले जाये यहाँ खून का नदी चली लेकिन डोला गांव गोगरा में जाइए सिनेमा हमारे डोला वाले जंग राजा खड़े कर दिए मन तीन हुआ देख ले अपन सख्त सुमिल रहे और उन्हें से पिछाव लगे अब पिछाव जो है जिन्हें तो करे उन्हें तो लोग पिछावे करते रह गए बिल्कुल ये फाट दे और उडोली दे हम बताई रहा कि नहीं उडोलिया लहले जात रहे सो और माई मंजरी जोन बा मुरली वाले के मर्यादा परसोत्तम भगवान से कह रहे मर्यादा परसोत्तम भगवान अब मर्यादा तुम्हारे हाथ में है प्रहलाद को तू खंभे में बचाए द्रौपदी की तीरा बढ़ोला हमार मर्यादा बचा ला दोनों हाथ ले चले जोड़िया के भैया जहाँ दरवाजा सवारी कहा वही केवाड़ी में डाक के चले हाथ हम भर रहे दोनों गेट दू थकागल आ तबले उन्हें डाक गई एक डकनिया में आधा मर फिर की डकनिया में लोरी के पजरे गिरल रहे भा Oh,
बढ़िया गीत रहल, बहुत बढ़िया बढ़िया बिरहारे के बिरहा हम छोड़ जाते हैं। भेजे चली चली आई हो जा आई कैसे आटा माई का मरनवा माई वही दिन अखरे हो अखरे आ माई का मरनवा माई वही दिन अखरे हो अखरे। वीर लोरिक की गाथाएं बच्चे बच्चे ने सुनी है और शायद अहीरों का सबसे पसंदीदा बिरहा हुआ करता था। यही बिरहा वीर लोरिक की गाथाओं और कहानियों का हुआ करता था। अलग अलग किंवदंतियों, जनरल प्रथाओं को, लोक रीतियों को पहुंचाने वाला यह बिरहा अब लगभग लुप्त हो गया है। पहले शादी विवाह में तो यह सुनाई दे जाता था, सावन में सुनाई दे जाता था, अब यह ठीक वैसे ही लुप्त हुआ है जैसे आल्हा उदल के गीत लुप्त हो गए हैं। वीर लोरिक की इन गाथाओं को लोरिक को बचाने की सोनभद्र को कवायद करनी चाहिए।